सरदार नूर खान इस गांव का मालिक है। यो जो उरे लोग रहे ना, ये सब का वो माई बाप से, मारा भी माई बाप से। और आप भाई कौन से हैं भाई? मीरब, मीरब, उठो मीरब। वो जहां भी है खैरियत से हो, उसे खैरियत से घर वापस ले परवरदिगार। मीरब, 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 पानी, मीरब, ये लो, मीरब पानी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उठो मीरब, मुझे बचा, मुझे जाने दो यार, मुझे कोई बचा ले, बचा ले मुझे। उठो मीरब, मीरब, उठो, उठो मीरब, उठो। रासद, रासद, ओ रासद, क्या? आंखें खोल, उठ। क्यों? अरे जल्दी उठ। कहां गई छोरी? उस्ताद जहां तू छोड़ के गया था वहीं होगी। अरे वहां होती तो मैं थारे से पूछता। क्या क्या मतलब उस्ताद? मतलब बताना पड़ेगा तने। अरे मीरब को नहीं कमरे में, और दरवाजा भी खुला सा, कुठे गई वो? पता नहीं उस्ताद, मैंने तो अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे, कहीं नहीं जा सकती वो। अरे रासद मीरा भाग गई, तो इसलिए रखा था उरे कि सो जाए आके। तो नजर रखनी थी, एक एक लम्हा नजर रखनी थी, ध्यान रखना था उसका। उस्ताद मैं तो अभी आकर सोया था। अरे तू क्या सोया, हमारा नसीब सो गया? अरे जा जाके ढूंढ, अभी दूर नहीं गई होगी। अरे ना मिली तो गर्दन उतार दूंगा थारी।
अरासत मिल गई? नहीं उस्ताद, कहीं भी नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, मिल जाएगी। अरे ढूंढ, उसने मिलनी चाहिए जरूरी। ठीक है उस्ताद, तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, वो जहाँ कहीं भी होगी मैं ढूंढ के उसको तेरे पास ले आऊंगा, टेंशन ना ले तू। रासद, अगर वो आज की रात नहीं मिली तो अपना असर देख लेना, ढूंढ के ला उसे। ठीक है उस्ताद। अननोन नंबर है, सोचा। बोलो, इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हो तुम? हाँ वो पूरे तो गड़बड़ हो गई जिमल जी। ये पहेलियां बुझवाने के बजाय साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, इस वक्त मुझे फोन क्यों कर रहे हो तुम? मीरा भाग गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मीरा कैसे भाग सकती है, कहाँ गई है वो? यो तो मने को नहीं पता चला जी कैसे भाग गई, पर एक बात पक्की है, वो खुद नहीं भागी, कोई ले गया उसने। देखो अगर वो वहां से भाग गई है ना, तो याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है वो छोड़ देगी तुम्हें? और मुझे हरगिज़ नहीं, वो सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बच ही जाऊंगी किसी ना किसी तरह से। लेकिन राणा तनवीर, याद रखना तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। तो इसमें मारा क्या कसूर है? आपने जो बोला मैंने वो कर दिया, और इब अगर हमारे साथ कोई हाथ करने की कोशिश करेगी जिम्मल बीबी, तो याद रख लेना राणा तनवीर नाम से मारा। छोड़ूंगा तो तने भी को नहीं मैं। बकवास बंद करो और जाओ जाके ढूंढो उसे, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और हाँ, मुझे धमकी मत देना। एक मीरब को तो तुम काबू में रख नहीं सके, और मुझे धमकी दे रहे हो। तो मैं तुम्हें चुटकियों में उड़ा के फेंक दूंगी। याद रखना अगर आइंदा तुमने इस किस्म की बात करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि ये सारी दुनिया देखेगी। और दोबारा मुझे कॉल मत करना। कैसे भाग गई? तुम किससे बात कर रही थी इस वक्त? चलो दिन हो या रात, तुम मुझे सूंघते हुए आ जाते हो मेरे पीछे पीछे। तुम्हें कहा है ना मैंने, कोई भी बात होगी तो मैं बताने वाली जरूर बताऊंगी, जाओ जाके सो जाओ। तुम्हें हो क्या गया जिमल? कैसे बात कर रही हो तुम उससे? तो कैसे बात करूं, क्या हो गया मुझे, मैं पागल हो गई हूँ? चलो लेके चलो मुझे, चलो चलो मेरे साथ पागल खाने में ले जाके मुझे जमा करवा दो। पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे, घर वालों ने अलग पागल किया, बाहर वालों ने अलग पागल किया। वह प्लीज जाओ जाओ।
भाग कैसे सकती है वो? भाग कैसे गई? जान, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक तो हो? मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ? अल्लाह का शुक्र है बेटा कि तुम वापस आ गई हो मेरे पास, मेरे सामने। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मैंने कितने अजाब में ये सारे दिन गुजारे हैं तुम्हारे बगैर। तबीयत ठीक है तुम्हारी? उस सर में बहुत दर्द हो रहा है। इन बत्तियां बुझाने मेरी आंखों में चुभ रही है। अच्छा मैं बंद करवा देती हूँ, तुम परेशान मत हो। सकीना, सकीना जल्दी से आओ। सकीना बेटा जल्दी से कमरे की बत्तियां बंद कर दो। त्यामी, त्यामी कहाँ है? त्यामी कहाँ है खाला? त्यामी सिली, तूने सनी को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ है वो। तो रात का नहीं है यहाँ, मुझे लगता है शहर गया। शहर चला गया? मगर क्यों? किसी को बता के नहीं गया, अपनी मर्जी का मालिक है। कहीं आने जाने के लिए किसी से पूछता थोड़ी है वो। जब दिल करता चला जाता है और जब दिल करता वापस आ जाता है। वैसे तू क्यों पूछ रही है उसका? बस यूं ही, एक छोटा सा काम था उससे। अच्छा चल तू इंतजार कर ले, हो सकता है वापस आ ही जाए। कैसी तबीयत खाना उसकी? अभी पूरी तरह से होश नहीं आया उसे। कुछ देर पहले उसने आंखें खोली थी, एक तो बातें की और फिर सो गई। मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र हो रही है बेटा, पता नहीं किस हाल में रही है वो इतने दिन। खुदा ना खास्ता वो किसी जहनी दबाव का शिकार ना हो गई हो। मेरा ख्याल है हमें उसे हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है। आपके सामने तो डॉक्टर ने कहा था कि इसे नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा। आप प्लीज परेशान ना हो, मीरब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे खाला, मीरब ने होश में आने के बाद आपसे कोई बात की? कुछ खास नहीं, बस यही पूछ रही थी कि मुझे यहाँ कौन लाया है। और तुम्हें पता है वो तो बेहोशी की हालत में भी तिहामी को बुला रही थी। मेरा ख्याल है हमें तिहामी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वो भी तो फिक्रमंद होगा ना बेचारा। जी खाला ठीक कह रही हैं आप, हमें तो हामी को इतला देनी चाहिए। वैसे भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है उससे। ज़रूरी बात? उसको ये बताना ज़रूरी है कि मीरब के अगवा में उसकी भाभी ज़िमल का हाथ था। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं खाला, मैं भी ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। लेकिन सच यही है कि ज़िमल ने राणा तनवीर के साथ मिलकर मीरब को अगवा किया था, और ये सब बातें तहामी को बताना जरूरी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हद तक जा सकती। ठीक कह रही हैं आप खाला, लेकिन बदकिस्मती से सच यही है कि ज़िमल ने ही मीरब का अगवा करवाया था। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुझे वक्त पर सब कुछ पता चल गया, वरना इन लोगों ने तो मीरब को जान से मार देने का प्लान बना रखा था। जिंदगी
चाहिए जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। तहमी भाई, तहमी भाई, अहमद, अहमद। जी सर। तुम्हें भाई का कुछ पता? नहीं सर, वो तो रात से ही घर में नहीं है। ठीक है, जाओ तो। अच्छा। हेलो जी मैनेजर साहब, भाई ऑफिस में? क्या, कब चले गए? अच्छा चलें, ठीक है, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। भाई ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो अमेरिका जा रहे हैं? का नंबर तो बंद जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तिहामी जैसे इंसान को समझने में मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं तो उसे एक निहायत शरीफ और नेक इंसान समझती थी, मगर वो किस कदर बेहिस निकला। हद होती है, मीरा कितने मुश्किल वक्त से गुजरी है, लेकिन उसने एक दफा आने की तकलीफ नहीं की। मैं किस कदर परेशान रही हूं मीरा की वजह से, लेकिन उसने तो दूसरी से तीसरी दफा कॉल करने की जहमत नहीं गवारा की। मेरी बच्ची बेचारी बेहोशी में भी उसे पुकार रही और वो। खाला आप इस तरह परेशान तो मत हो, मीरब को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? आप बस मुझसे वादा करें कि आप मीरब के सामने तहामी की कोई बात भी नहीं करेंगी, वो बहुत परेशान होगी। तो फिर क्या करूं बताओ? वो होश में आएगी तो फिर तिहामी को बुलाने का कहेगी, क्या करूं मैं? अब तिहामी की बेहेसी में उससे नहीं छुपा सकती, उसे पता चल जाएगा। और अभी तो वो ये नहीं जानती कि तिहामी यही समझता था कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई। जो भी है, तिहामी जो समझता है वो समझता रहे, लेकिन हमें एक चीज को इंश्योर करना है कि जब तक मीरा बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाती, उसे मजीद कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। आप प्लीज उसका ख्याल रखें। अच्छा मैं चलता हूँ, आप प्लीज मीरब के पास जाएं। इस वक्त आपको मीरब के पास होना चाहिए। सनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया। तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। प्लीज खाला मुझे शर्मिंदा तो मत करें, मैंने कोई एहसान तो नहीं किया। चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा। सफी कहाँ मर गया? उस्ताद, रात तो तू शहर गया था, इतनी जल्दी वापस आ गए,
सब खैरियत तो है ना? क्या बात है उस्ताद, तू कुछ बोल नहीं रहा, सब खैरियत तो है ना? बस कर दे, इब सवाल पे सवाल मारे जाएगा हमारे सर पे। ज्यादा भाव पानी ला गया गिलास। लाता हूं उस्ताद। ले फून जिम्मल बीबी, देख रहा ना तनवीर, लड़ मत मुझसे, मैं तो पहले ही दुखों की मारी गरीब औरत हूं। मेरा देखो, कितनी देर से तुमने कुछ नहीं खाया, इससे से तबीयत और खराब हो जाएगी। सच सच बताओ, क्या जानना चाहती हो तुम, बोलो। कुछ नहीं साईं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे तेरा पता चाहिए। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.